हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हरगुरप्रीत और ये मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सिमरत कौर। जैसा कि आप देख सकते हो आज मैं ड्रेस्ड हूं, मतलब इतनी भी नहीं हूं, नो मेकअप एज यूजुअल। मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जिस दिन निकलेगी ना, घर से बाहर निकलेगी उस दिन इसने तैयार श्यार होना है। मैं कहाँ तैयार रही हूँ, मैंने ना लिपस्टिक लगाई है देखो, ना मेकअप किया है, वही स्पेक्स और कपड़े, और वो भी अपने देखो ये कॉटन के कपड़े, वो झिलमिल सितारों वाले कपड़े तो मैं पहनती नहीं, जो मैं वो डाल डाल के घूमू। ओहो, फिर शादियों पे क्यों वो झिलमिल सितारे डाल के घूमना होता है? इतने में लाउड कपड़े तो मैंने कभी भी नहीं पहने। अच्छा चलो, खैर कोई बात नहीं, पहने कभी तो बता दो। मेरे को याद नहीं है ऐसे कौन कौन से कपड़े इसके पास, इसलिए बात को छोड़ ही दो। ये ना वीडियो बंद होने के बाद मेरी क्लास लग रही हो, आपको मेरे कपड़ों का नहीं पता? इतना तो आपको पता नहीं है कि मैंने कभी क्या पहना होता है, कभी क्या नहीं पहना होता। तो आज हम निकले हैं, हमने थोड़ी सी शॉपिंग करने इतना जाना पता था। वाइफ कौन सी आपकी कि वो भी याद कराना पड़ता होगा? नहीं नहीं वाइफ तो यही है, बात दूसरी होती। पता चले किसी और का हाथ पकड़ के निकल गए। नहीं नहीं वो शादी से पहले की बातें होती हैं, तब कुछ नहीं कह सकते होते। शादी के बाद तो पता ही होता है कि बीवी है, इसका याद पकड़ के जाना पड़ेगा, ना नहीं जाओगे तो फिर रात को अपना अंजाम सोच लेना क्या होगा। होगा क्या, रात को 2-4-5 अच्छे तरह से पता लगेगा अगली सुबह कि कुछ हुआ था। तो आज हम निकले हैं शॉपिंग करने के लिए थोड़ी सी, तो हम जा रहे हैं आज हॉल बाजार की तरफ। हॉल बाजार वॉल सिटी में आता है ना अमृतसर की, तो वहां से हमें कुछ यूटेंसिल्स वगैरह लेने हैं, तो इसलिए हम निकले हैं। ये लोग कहते हैं हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते, बाहर नहीं जाते और रोज ही बाहर नहीं जाते। जो मैक्सिमम काम हम घर पे कर सकते हैं वो घर से ही हम करवाते हैं कि कोई वेंडर हमें सप्लाई कर दे कुछ। बट अब कोई चीज अगर आपने देख के लेनी है तो उसको ये नहीं ना बोलोगे कि आप यार मेरे को ये हर एक तरह की एक एक चीज भेज दे, इसमें से मैं एक या दो देख के ले लूंगा। बेसिकली पुट योर बेल्ट ऑन, आई एम वेरी पर्टिक्यूलर अबाउट माई क्वालिटी, माई इंग्रीडियंट्स, तो मैं प्रेफर करती हूँ अपना सामान खुद जाके लेके आऊँ। सो वो थोड़ा सा सामान लाने वाला था तो मैंने कहा चलो ले ही आते हैं। वैसे इसको मैंने लास्ट टाइम बोला था तेरे को, मैं अब 2 महीने से पहले नहीं बाहर निकालूंगा, आज ले ले सब कुछ जो लेना है। उस दिन हमने अरे ले लिया था। सेल अच्छी हो गई, मेरे ऑर्डर्स अच्छे थे, तो फिर अब खत्म हो गया, तो फिर अब मैं चलो। तो अब हम आपको मिलते हैं सीधे हॉल बाजार में। पहले हम उठाएंगे अपने फ्रेंड का एक्टिवा, तो उसको मैं कॉल कर लूँ कि वो होटल में ही है, अगर वो होटल में है तो उसको बोलूँ भाई अपना एक्टिवा फ्री रखी, वहाँ पे हम अपनी गाड़ी छोड़ेंगे और वहाँ से उसका एक्टिवा उठाकर निकलेंगे। तो आई एम कॉलिंग राजपूत। हेलो, क्या आप हमारी ये हालत देख सकते हो, पसीना? मास्क अभी हमने आके उतारे हैं कार में, हॉल बाजार का हमारा काम हो गया है। आपको ज्यादा दिखा नहीं पाए बिकॉज इतनी गर्मी थी, हम लोगों को खुद को नहीं पता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इतनी ज्यादा गर्मी है एंड ऊपर से बारिश हुई थी कल, तो ह्यूमिडिटी लेवल इतना इंक्रीज हो चुका ना, आई कांट टेल यू जितना मुझे पसीना है। सैनिटाइजर का है? सैनिटाइजर आपके हाथ भी अब सैनिटाइज करने लगे, अभी बस आगे कार में बैठे हैं हम लोग। So this was all about our day. Ab hum, it's almost 6 and we are heading back home. और फिर उसके बाद थोड़ा सा काम है, तो अभी पहले जाके हम सब सैनिटाइज करेंगे जो हमने शॉपिंग की है, नहाएंगे, स्टीम लेंगे, ब्रश करेंगे, उसके बाद हम कहीं पे आराम से बैठ पाएंगे घर पे जाके। हमें भूख भी बहुत लगी है, कुछ खाया भी नहीं है, बस ब्रेकफास्ट करके निकले थे। अब पानी भी नहीं हमने पिया है, कुछ भी नहीं है, तो काफी थकावट, प्यास, अब घर जाके ही नहाने के बाद ही हमें रिलैक्सेशन मिलेगी। मैं तो सोऊंगी अब। उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा सा काम है। सो सी यू गाइस लेटर, बाय बाय।